हे एवरी वन मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला माय नेम एमानी चौहान आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेशनल सिम्बल्स बिल्कुल देखिए कई बार एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं सो हम लोग हर एक जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और लास्ट में फिर हम कुछ रिविजन क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है ताकि ओवरऑल हमें इस कॉन्सेप्ट पे पूरी तैयारी बन जाए हमारी ठीक है सो so, बने रहेगा इस वीडियो में कंप्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप सभी में जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया हो वो जल्दी से जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होता है आप लोग वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम लोग शुरू करते हैं सो so, देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है एक आपको स्लाइड हिंदी की मिलेगी एंड देन बाद नेक्स्ट इंग्लिश की मिलेगी ठीक है तो किसे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश और हिंदी में ठीक है so, सबसे पहले आता है हमारा राज चिन्ह जिसे हम नेशनल एम्बल बोलते हैं ठीक है अब देखो कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है अब देखो ये जो राज चिन्ह है जिसे हम नेशनल एम्बलम कहते हैं ये कहाँ से लिया गया है इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है ठीक है और इस पर क्या चीज़ बनी हुई है ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो देखो आपको इस पर यहाँ पे हॉर्सेस हाँ मिल जाएंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना हॉर्स और इधर देखो यहाँ पर शेर और ये तीन शेर हमें इसमें दिखाई देते हैं ओवरऑल इसमें होते फोर शेर हैं पीछे होता है लेकिन हमें सामने से सिर्फ तीन ही दिखाई देते हैं और ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो इसमें कौन कौन से चित्र बने हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है इसमें शेर बना हुआ है इसमें हाथी है सांड है और घोड़े ये सब चीज़ें हमारे जो नेशनल एम्बलम है वो उसमें बना हुआ है ठीक है इसके बाद ये पूछ जाता है कि इसे भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था और इसे जो सत्यमेव जयते इस पर लिखा होता है ये कहाँ से लिया गया है सो मुंडो जो उपनिषद है वहाँ से जो है वो सत्यमेव जयते लिखा हो मतलब यहाँ से लिया गया है ठीक है आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एम्बलम है वो रेप्लिका है सारनाथ पिलर ऑफ अशोक का इसमें चार छोटे एनिमल्स हैं जिसपे लोअर साइड पे हॉर्सेस और बुल्स बनी हैं लायन और एलिफेंट्स बनी है इसको अडॉप्ट किया गया था छब्बीस जनवरी नाइनटीन को और सत्यमय जयते कहाँ से लिया गया है मुंडो से लिया गया है ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया नेशनल एम्बलम्ब उसके बाद आता है नेशनल एंथम हमारा और नेशनल सॉन्ग इन दो में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है तो अच्छे से ध्यान रखना है देखो जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमारा क्या है जन ठीक है ये हमारा नेशनल एंथम है जिसको संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत किया गया था मतलब अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को ठीक है और ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया था तो नेशनल एंथम लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ऑल्सो देखो ये ध्यान रखो इसे पहली बार कब गाया गया था ठीक है ध्यान रखना है ये ईयर पूछा जाएगा तो ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ दिसंबर नाइनटीन इलेवन को कलकत्ता का जो सेशन चला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वहाँ पे इसे पहली बार गाया गया था और इसे गाने में जो समय लिया जाता है पूरे गाने में वो 52 टू सेकेंड का होता है काफ़ी स्कूल्स वगैरह में तो होते हैं नेशनल एंथम वगैरह वहाँ से आप लोगों को छोटी मोटी इंफॉर्मेशन तो पता होंगी इंग्लिश में भी देख लीजिए देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है और इसे अडॉप्ट किया गया था बाय दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा फॉर जनवरी नाइनटीन और सबसे पहले इसे गाया गया था कैलकटा सेशन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 27 दिसंबर 1911 में और जो पूरा सॉन्ग है इसे गाने में 52 टू सेकेंड लगते हैं ठीक है ठीके? तो आप लोग दो दो बार मैं बता इस ले रही हूँ कि एक बार आप लोग रिवाइज भी कर लो थोड़ा सा ठीक है चलो नेशनल सॉन्ग अब नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है बिल्कुल वंदे मातरम ठीक है जिसे 1950 में इसे भी अंगीकृत किया गया था यानी इसको अडॉप्ट किया गया था और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है इसको बंगाल बंगाली लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था 1882 में उनका उपन्यास था आनंद मठ वहाँ इसको जो है वो दो तो लैंग्वेज में लिखा गया था बाई किसके द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा सबसे पहले देखो इसे एटीन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राजनीतिक संदर्भ हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था तो अच्छे से इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इसे पहली बार गया तो 1896 में गया था ठीक है और इसे अपनाया गया था 1950 में सेम वही कहानी है जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी कहानी है ठीक है तो ये दो चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है तो पहले हम लोग ना क्लियर कर रहे हैं सारा कॉन्सेप्ट फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस ठीक है चलो नेशनल फ्लैग वेरी इंपॉर्टेंट भाई हमारा जो तिरंगा है तीन रंग का होता है तो इसे तिरंगा बोला जाता है और इसे अपनाया कब गया था 22 ऑफ जुलाई 1947 को बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और एक और चीज़ पूछी जाती है कि इसकी जो लेंथ है जैसे इसकी जो लेंथ ये होगी और ये होगी इसकी ब्रेथ हो गई इसका रेशो पूछा जाता है तो प्लीज़ इसका रेशो उल्टा मत करना देखो यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई का रेशो है मतलब ब्रेथ और जो इसकी लेंथ का रेशो होता है वो होता है टू रेशो थ्री ठीक है तो अगर आप लोगों से आ, लेंथ ब्रेथ करके पूछा तो थ्री रेशो टू कर देना लेकिन उल्टा बिल्कुल भी मत करना बिल्कुल और इसमें देखो यहाँ पे बीच में ये गोल गोल सा बना होता है इसे बोलते हैं चक्र ठीक है और इसमें कितनी तिल्लियां होती है स्पोक्स होते हैं इसमें ट्वेंटी फोर स्पोक्स होती हैं और ये जो चक्र है इसे सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो चक्र है इसे कहाँ से ड्राइव किया गया है लिया गया है ठीक है तो ये इंग्लिश में देख लो इसे अपनाया गया था टू और थ्री इसका रेशियो है इसमें जो डार्क ब्लू कलर का बीच में आपको एक चक्र दिख रहा है, उसमें 24 स्पोक्स होती हैं और इस साइकिल को लिया गया है अशोक पिलर जो कि लोकेटेड है सारनाथ में ठीक है क्लियर हो गया अब आते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर इसको साका कैलेंडर का दर्जा दिया गया है और इससे कब बनाया गया था तो 1957 में जो कैलेंडर कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा इसे तैयार किया गया है और इसमें पूरा मतलब हमारा जो हिंदी के अकॉर्डिंग चलता है लाइक जैसे जैव वैशाख फागुन ये होते हैं ना महीने ये इस तरीके का हमारा जो है वो नेशनल कैलेंडर होता है बाकी देखो जनवरी फरवरी तो हम लोगों ने अंग्रेजी से अडॉप्ट कर लिया है अब तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं बट आपको हमारा भारतीय पंचांग पता होना चाहिए ठीक है और ये देख सकते हैं आप इसको स्टेटस दिया गया साका कैलेंडर 1957 में इसको क्रिएट किया गया था ओके ये सब चीज़ें हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं देखो ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले अगर किसी आप किसी ने आपसे पूछ लिया ना कि हमारी इंडिया की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है तो प्लीज़ कभी भी गलती से हिंदी मत बोल देना बिकॉज हमारी इंडिया की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी जो है ना वो एक राजभाषा है राजभाषा का मतलब क्या होता है कि जो भाषा राजकाज मतलब जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में यूज करी जाती है काम के लिए उसको हम राजभाषा कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख नहीं किया गया और ये जो हिंदी हमारी राजभाषा है इसका वर्णन है अनुच्छेद 343 के तहत ये बोला गया है ऑल्सो देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है ठीक है तो गलती से ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कि एग्जामिनर ने पूछा कि भाई बताइए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है और हिंदी लगा के आ जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो हिंदी नहीं लगा क्या ना हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ठीक है हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको हम लोग गवर्नमेंट जो वर्क्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं ठीक है ये आप चीज़ों को ध्यान रखना है आगे आता है देखो हमारी नेशनल स्क्रिप्ट जिसे हम राष्ट्रीय लिपि कहते हैं तो हमारी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है देवनागरी यही कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और आर्टिकल पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल में ऐसा बोला गया है तो आर्टिकल थ्री थ्री का फर्स्ट 343 वाला तो वो था कि हिंदी को राजभाषा बोला गया ठीक है और ये जो देवनागरी लिपि है और ये हमारी क्या होगी हिंदी को आधिकारिक भाषा बोला गया है ठीक है तो देवनागरी लिपि के बारे में 343 के फर्स्ट में वर्णन किया है तो ये आर्टिकल्स जरूर ध्यान रखो क्लियर आगे देखो नेशनल डेज हमारे तीन राष्ट्रीय दिवस होते हैं तीन राष्ट्रीय दिवस कौन से होते हैं स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं भाई पंद्रह अगस्त को गांधी जयंती टू ऑफ अक्टूबर गणतंत्र दिवस यानी हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी तो ये तीन दिन होते हैं जिसे बोला जाता है नेशनल डेज तो कभी भी नेशनल डेज में पूछा जाएगा तो ये तीन आपको याद रखनी है ठीक है ध्यान हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फादर ऑफ नेशन भाई ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे फादर ऑफ नेशन ना पता हो है ना पता है ना सबको तो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है महात्मा गांधी जी को बिल्कुल सो so, सबसे पहले देखो आ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया था सबसे पहले बुलाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1947 को एक सिंगापुर रेडियो स्टेशन एक तरीके का संदेश प्रसारित हुआ था जहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहा था उसके बाद जब इनकी हत्या हुई महात्मा गांधी हुई तब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से ऐसा बोला तो बोस जी ने, ने बोला था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में भी देख सकते हैं जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने मैसेज दिया था सिंगापुर रेडियो स्टेशन में जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को एज अ फादर ऑफ नेशन एड्रेस किया था तो तब से इनको मतलब तब से तो नहीं जब जवाहरलाल नेहरू ने, ने किया था तब से इनको राष्ट्रपिता बोला जाता है ठीक है आगे आ जाते हैं कुछ कॉमन से हमारे जो हम सभी को पता होगा राष्ट्रीय पशु हमारा नेशनल एनिमल क्या है बिल्कुल भाई टाइगर है जिसको हम रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं इसको नाइनटीन में घोषित किया गया था एक और चीज ध्यान रखना उससे पहले हमारा जो नेशनल एनिमल था ना वो क्या था बिल्कुल यहाँ पर शेर यानी लायन उससे पहले शेर हमारा राष्ट्रीय एनिमल होता था लेकिन उसके बाद 1973 में टाइगर आ, हमारा जो है वो नेशनल एनिमल हो गया और इसका साइंटिफिक नेम क्या है पैंथरा ट्रेग टाइगोरस ठीक है इतनी सी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा नहीं इसके बारे में नेशनल फ्लावर कौन सा है भाई हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है जिसको नीलम्बो न्यूसीफेरा बोला जाता है इसका साइंटिफिक नेम है और इसको क्या बोला जाता है नेशनल फ्लावर क्योंकि बहुत ही सुंदर है है ना सुंदर है ना बहुत नेशनल फ्रूट जो कि सभी को पसंद होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि, कि किसको पसंद है नेशनल फ्रूट ठीक है और वो क्या है आम यानी मैंगो और मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है मैंगजीफेरा इंडिका कभी कभी साइंटिफिक नेम आपके साइंस में पूछ लेते हैं दैट्स वाई मैंने इंक्लूड कर दिया और इसको किंग ऑफ़ फ्रूट्स बोला जाता है फलों का राजा भाई होता ही फलों का राजा है है ना और साल में एक ही बार मिलता है जिसकी जब इसकी फसल आती है तो चलिए बताएगा कि किस, किस को मैंगो पसंद है ठीक है अगला है हमारा नेशनल बर्ड नेशनल बर्ड कौन सी है हमारी पिकॉक और इसे नाइनटीन थ्री में हमारा नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था और ये पूरी तरीके से हमारा इंडियन कल्चर हमारा जो ट्रेडिशन है ना उसको रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा नेशनल ट्री हमारा क्या है बरगद का पेड़ बरगद का पेड़ जिसे बैनियन ट्री बोलते हैं और ये यूनिटी को परसिवरेंस को यानी इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत मान्य है मतलब ये बहुत माना जाता है और ये एकता का प्रतीक है ठीक है तो कौन सा है हमारा नेशनल ट्री हमारा नेशनल ट्री है बरगद नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है हॉकी और हॉकी को हमारा नेशनल स्पोर्ट कंसीडर किया एक और चीज़ यहाँ पे आंसर करेगा मैं दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वही आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है ठीक है तो इसका आंसर मुझे आप लोग करके बताइएगा कमेंट करके उसके बाद आती है हमारी नेशनल रिवर तो नेशनल रिवर ऑफ कोर्स हमारी गंगा है जो हमारी होली या बिल्कुल सेक्रेड रिवर है और गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है तो गंगा को हम भागीरथी भी बोलते हैं जो कि हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है तब इसको भागीरथी बोला जाता है जब ये प्लेन में आ जाती है तब इसका नाम गंगा बढ़ जाता है ठीक है ध्यान रखेगा इसको बांग्लादेश में पदमा बोला जाता है ठीक है नेशनल करेंसी तो भाई जिस पैसा तो सभी को पता ही होगा ना भारतीय रुपया है ना बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसका जो, और जो मुद्रा जारी करता है उसको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा इस सिंबल से क्वेश्चन बन सकता है कि अडॉप्ट कब किया गया था ये वाला सिंबल और इसे डिजाइन किसने किया था ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे ही अपने नेशनल जो सिंबल्स uh, हैं उनको पढ़ लिया है नाउ द टाइम इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है देखो इंडिया का नेशनल मोटो क्या है तो ध्यान रखिएगा हमारा जो नेशनल मोटो है वो सत्यमेव जयती है ठीक है अशोक के स्तंभ पे नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जिसको मुंडो पुषने से लिया गया है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बट इससे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं उसके बाद देखो नेशनल एंथम सबसे पहली बार कहाँ गाया गया था तो मैंने आपको बताया था ना 1981 में कलकत्ता में जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहली बार नेशनल एंथम वहाँ पे गाया गया था हमारा जनगणमन ठीक है नेशनल एंथम ये होता है तो इसलिए नेशनल एंथम और सॉन्ग में कन्फ्यूज़ नहीं होना उसके बाद देखो क्वेश्चन है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है नेशनल सिंबल है इसको हम नेशनल एम्बलम भी कहते हैं इसमें कितने जो लाइंस हैं वो दिखाई देते हैं देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कितने लाइंस आपको दिख रहा है अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको कितने लाइंस दिख रहे हैं मुझे तो तीन ही दिख रहे हैं बिल्कुल तो तीन ही इसका करेक्ट आंसर होगा अगर ये पूछा गया आप लोगों से कि टोटल कितने लाइन्स होते हैं तो टोटल तो फोर लाइन्स होते हैं बट हमें दिखते जो है वो तीन हैं तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ें ठीक है अगला देखो क्या है हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर का पिंगली वेंकैया के द्वारा हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन तैयार किया गया था और हमारे नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र बना है उसमें तिल्लियाँ कितनी हैं कितनी स्पोक्स हैं तो भाई उसमें कितनी स्पोक्स हैं चौबीस हैं चौबीसों घंटे लहराना चाहिए हमारा झंडा है ना ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें ट्वेंटी जो है वो तो स्पोक्स हैं उसके बाद देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि रेशो उल्टा मत करना अगर आपसे लेंथ पहले बोला तो क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है तो लेंथ होती है इसका थ्री और ब्रेथ में टू रेशो आता है ठीक है और अगर चौड़ाई और लंबाई क्वेश्चन में ऐसे लिखा तो टू रेशो थ्री कर देना लेकिन इसको उल्टा मत करके है ना वरना ही पड़ जाएगी ठीक है अगला देखो क्या है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था तो ध्यान रखिएगा इसे एटीन में सबसे पहले गाया गया था इसे अडॉप्ट कब किया गया था पूरी तरीके से नाइनटीन में ठीक है लिखा किसने है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया है नेक्स्ट है देखो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु किया था तो मैंने आपको यही बताया था कि 1973 में बाघ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया था बट उससे पहले अगर हम बात करें हमारा जो नेशनल एनिमल था वो लायन यानी शेर सिंह कुछ भी लिखा सकता है दैट्स नॉट मैटर बट आपको पता होना चाहिए कि क्या था पहले ठीक है तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के देखो बनेंगे इस टॉपिक से बाकी नेशनल एनिमल पूछ सकते हैं बर्ड पूछ सकते हैं ट्री पूछ सकते हैं ठीक है और हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा नेशनल एंथम किसने लिखा ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है तो बताएगा जरूर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको वीडियो कैसी लगी आई होप सो अब आप लोगों को इस जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे और ऐसे ही हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेके आते रहेंगे ठीक है जो भी आप लोगों की डिमांड है ना कुछ टॉपिक्स देखिए थोड़े लेंथी होते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है उसको लेके आने में बट आई श्योर यू कि मैं वो सारे टॉपिक्स लेके आऊँगी जो आप लोग बोल रही हैं ठीक है थीके? बस आप लोगों को क्या करना है लॉजिक पाठशाला को फॉलो करना है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसकी पहुँच बनाएं ताकि हम और भी मोटिवेशन से काम कर सकें चलिए फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग